मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन टीम की एक बड़ी कामयाबी, दो बड़े केसेस की गुत्थी सुलझी। जी हाँ दोस्तों, मुमरा कौसा में काफ़ी दिनों से बाइक और गाड़ियां चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री अशोक कड़लक के मार्गदर्शन में एपीआई कृपाली बोर से, जिसे मुमरा कौसा की दबंग लेडी भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी टीम को लेकर के जो कारनामे को अंजाम दिया है। सबसे पहले तो उन लोगों ने दो आरोपियों को पकड़ा और उसके बाद में दो गैरेज के मैकेनिक को अपनी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 45 बाइक्स को रिकवर किया गया उन लड़कों को अरेस्ट करने के बाद, जिसमें मैकेनिक भी शामिल थे जो गाड़ियों को चेंज कर देते थे और फिर कोई कस्टमर आता था तो उसे बेच दिया करते थे। वहीं अगर बात की जाए दूसरे केस की, तो मुमरा कौसा में जो MD बेचने वाले गिरोह है, सबसे ज़्यादा सक्रिय होने वाले गिरोह में से एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम इरफान सैयद बताया जा रहा है, जो कि पहले 2 से 3 महीना पहले गुजरात से जेल से छूट करके आया है। NDPS एक्ट के तहत उसे गुजरात में भी अरेस्ट किया गया था और लगभग 4 से 5 महीना उसे वहां पर जेल में रखा गया था। मुमरा आने के बाद में इरफान सैयद ने फिर से अपने साथियों समेत अपना कारोबार शुरू कर दिया और मुमरा कौसा में बड़े धड़ल्ले से MD का कारोबार करने लगा। वहीं API कृपाली बोरसे की टीम को जब इसकी गुप्त सूचना मिली तो उन लोगों ने अपना ट्रैप लगा करके इरफान सैयद और उसके एक सहयोगी को अपनी हिरासत में लिया, जिसके बाद थाना DCP जोन 1 के अविनाश अंबूरे मुमरा पुलिस स्टेशन में आकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें बताया कि इस तरीके से मुमरा पुलिस ने काम जो किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। आइए देखते हैं क्या कहा इस मामले में DCP जोन 1 थाने के अविनाश अंबूरे सर। सर आपने बीच में संज्ञान लिया और फिर से जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है अशोक कंडलक जी, इनको आपने निर्देश दिए कि यहाँ पर NDPS की लोकल यूनिट फिर से शुरू करवाई है, तो मुमरा कौसा के लोगों को एक क्या मैसेज देंगे सर कि एक यूनिट है उसके इंचार्ज कौन है और किस तरीके से फिर एक बार मुमरा कौसा में जो नशा बढ़ रहा है तो उस पर रोकथाम लगाने के लिए आपको नागरिकों से किस तरीके के सहयोग की अपेक्षा है, क्या अपील करेंगे सर? देखिए हमारा पूरा पुलिस स्टेशन के जो हमारे पूरे DB स्टाफ है, जो PI कडलक के अंतर्गत क्राइम PI हमारे PI निकम साहब है, उगल मुगले है, PSI भोसले है, API कृपाली भोसले मैडम है, माधवी पाटी मैडम है, हम लोग सभी लोग, हमारा नाइट पेट्रोलिंग रहता है, डे पेट्रोलिंग रहता है। मैं नागरिकों से यही, आप सब लोगों के माध्यम से सब लोगों को मैं ये आह्वान देता हूँ कि आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है, भले वह NDPS की हो, कोई चोरी की इंफॉर्मेशन मिलती हो या कोई गलत चीज़ होने की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप 100 नंबर पे भी बता सकते हैं, सब पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर्स के भी मौके के थे। करीबन 20 लाख के ऊपर वैल्यूएशन इसकी हुई है और अभी तक 15 ऐसे मोटरसाइकिल के जो ऑफेंसेस है वो डिटेक्ट हुए हैं, उसमें से 10 मोटरसाइकिल ऑफेंसेस मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर हुए थे। एक कलवा पुलिस स्टेशन, एक कापुर बॉडी, एक स्टील टाइगर, एक नेहरूल पुलिस स्टेशन और एक सांगली पुलिस स्टेशन का भी गुना हमने इसमें से डिटेक्ट किया और इनकी 5 दिन की कस्टडी है और इस पूरे पूरे जो डिटेक्शन में हमारे जो डिटेक्शन स्क्वाड है उन्होंने बहुत ही अच्छी काम किया। इसमें से जो जवाद अनवर खान और फैजान रिजवान शेख है, ये गाड़ी चुराते थे और इनका जो दोस्त था मोहम्मद अमीर जो गैरेज वाला था, वो नंबर प्लेट बदल के आगे बेचने का काम कर रहे थे। थैंक यू। मुमरा कलवा शील्ड टाइगर जो एरिया में मोटरसाइकिल चोरी के वारदात काफ़ी बढ़ गए थे पिछले दिनों में से, इसके तहत हमारे जो सीनियर PI कडलक और PI निकम जो क्राइम किया है, API भोसले मैडम और PSI उगल मुगले, PSI भोसले माधवी पाटिल PI मैडम और उनके पूरी DB स्टाफ ये इन्वेस्टिगेशन में जुट गए थे। हमको जब हमने CCTV फुटेज और हमारे गोपनीय जो इन्फॉर्मेशन से हमने पता किया कि एक जावेद अनवर खान नाम का एक बंदा इसमें इन्वॉल्व है, तो हमने उसको पहले उसको हिरासत में लिया। ये रहने वाला अमृत नगर मुमरा का है। जब हमने इसको इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो इसमें पता चला कि इसके साथ में और 2 लोग शामिल थे, तो फैजान रिजवान शेख को भी हमने हिरासत में लिया और मोहम्मद अमीर मोहम्मद सिद्दीक इसको भी हमने हिरासत में ले लिया और इन तीनों आरोपियों के पास से अब तक हमने करीबन 40 मोटरसाइकिल्स हमने बरामद किए हैं। इन 40 मोटरसाइकिल्स की वैल्यूएशन अगर देखोगे तो करीबन 20 लाख के ऊपर वैल्यूएशन इसकी हुई है और अभी तक 15 ऐसे मोटरसाइकिल के जो ऑफेंसेस
मुमरा पुलिस स्टेशन में हमारे गोपनीय इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको 10 तारीख को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एमडी पाउडर मेफेड्रिन ये कौसा मुमरा एक जगह पे आने वाला है, ऐसे इन्फॉर्मेशन से हमारे हमने ट्रैप लगाया और हमारे एपीआई बुद्से मैडम और उनकी पूरी टीम उन्होंने वहाँ पे वो ट्रैप लगा के इरफान अली सैयद और रजाक सिराजुद्दीन रंगरेज इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से हमने अभी तक 72 ग्राम्स एमडी पाउडर हमने बरामद की है। इसकी कुल कीमत 1,30,000 के करीबन है और इसके आगे हम लोग इसमें आगे और ये रैकेट में इनकी कस्टडी ली गई है और 17 तारीख तक इनकी कस्टडी मिली है और इसमें और कोई लोग शामिल है इसके आगे के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसमें इरफान अली सैयद जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है एनडीपीएस में, इसमें हाल ही में गुजरात में भी पकड़ा गया था, वहां से जमानत पर छूट कर आया, तो प्रॉपर्टी सीज वगैरह का एक प्रोसेस होता है सर ज्यादा केसेस होने पर एनडीपीएस का, तो इस तरीके की कोई प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा ऐसे अपराधियों के खिलाफ? सर, अभी पूरा इरफान अली सैयद का अलीम सैयद का हम लोग पूरा इसका जो आपने कहा है उस हिसाब से हम इसका पूरा बैकग्राउंड है, उनको मैसेज डाल सकते हैं और आपका नाम भी हम लोग गोपनीय रखेंगे ताकि आपको भी कुछ कभी आपको लगता है कि आपका अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए तो उस तरीके से भी आप बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे हम लोग कार्यरत है और आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी तो मैं सभी नागरिकों से आह्वान करूँगा कि आप बेझिझक हमको अब बताइए, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो। धन्यवाद। स्टेशन अंतर्गत दिनांक 10 तारखेला आम्हाला अशी गोपनीय माहिती मिळाली की कौसा भागामध्ये एमडी पावडर ही येणार आहे एक विशिष्ट मार्गाने। त्या अनुषंगाने आमच्या कृपाली गुप्ते एपीआयच्या डीपीच्या टीमचे इन्चार्ज आहेत व त्यांच्या पूर्ण पथकाने तिथे आम्ही गोपनीयरित्या आम्ही तिथे पूर्ण पेट्रोलिंग केली आणि त्या अनुषंगाने आम्हाला सापळा रचला आणि त्या सापळ्यामध्ये आम्हाला दोन इसम आम्ही त्यांना ताब्यात घेतले। त्यांचे नाव आहे इरफान अलीम सय्यद आणि रज्जाक सिराजुद्दीन रंगरेज, हे दोन्ही राहणार एक डायगरचे आहेत आणि एक अमृतनगर मुंब्र्याचे आहेत। या दोघांकडनं आम्हाला 72 ग्रॅम एमडी पावडर ही मी हस्तगत केली, त्याची एकूण किंमत आहे 1,30,000 अशी मुद्देमालाची किंमत आहे आणि त्यांची कस्टडी आपल्याला 17 तारखेपर्यंत मिळाली आहे आणि याच्यामध्ये पुढील तपास करीत आहोत। थँक्यू। सर, धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।